स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आगामी दीपावली के त्योहार को लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने अपने निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि कलेक्टर ने अपने आदेश में ध्वनि प्रदर्शित करने वाले पटाखों पर इस बार रोक लगा दी है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक आतिशबाजी विक्रेता 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाली किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं कर सकेगा। सभी दुकानदारों को जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी दुकानदार सुतली बम ना तो दुकान पर रखेगा और ना ही उसका विक्रय करेगा। सभी दुकानदारों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक उपाय करने जैसे अग्निशमन यंत्र, सीज फायर, रेत की बाल्टियां, पानी आदि हमेशा दुकान के आसपास पर्याप्त मात्रा में रखें। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सर, आतिशबाजी जो विक्रेता है उनको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, कल सभी जितने भी स्थायी और अस्थायी आतिशबाजी विक्रेता हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी और इसके साथ साथ सभी मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की एक संयुक्त टीम भी बनाई गई है जो 3 दिनों के अंदर जितने भी इस प्रकार के फैसिलिटीज है, चाहे वो स्थायी हो या जहाँ जिन ग्राउंड पर अस्थायी इस प्रकार की दुकानें लगती हैं, वहाँ का भ्रमण करेंगे और रिपोर्ट देंगे कि वहाँ पर सारे इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित और आग की सुरक्षा से संबंधित रहते हैं वो वहाँ पर किए गए या नहीं किए गए हैं। बैठक में सभी विक्रेताओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि इनका पालन करना ज़रूरी है। कुछ जो सावधानियाँ रखनी होती हैं कि दुकानों के बीच में जनरली देखा जाता है कि जो बचे हुए डब्बे या जो दूसरे कार्टन वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हैं जो रख दी जाती हैं, जो आग के फैलने का कारण बनती है। अगर एक जगह पर आग लग जाती है, दूसरी जगह आग उनसे ट्रेवल कर जाती है, तो उनको लगातार हटाते रहें, इस हेतु भी निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी हमारे स्थान चिन्हांकित हैं वहाँ पर फायर फाइटर की व्यवस्था करें और खास तौर पर जो हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम है वो इन सारी चीज़ों पर नज़र बनाए रखेगी। और सर, कितने डिसेबल तक जो है पटाखों पर बैन लगाया गया है? देखिए, अभी जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से निर्माताओं के लिए जो ग्रीन पटाखे और जो डेसिबल्स फिक्स किए गए हैं वो निर्माताओं के लिए हैं। यहाँ पर चूंकि विक्रेता वो करते हैं, बेचते हैं, इसीलिए उस बैठक में ये बात नहीं हुई है, उसके लिए पृथक से आदेश निकाला जाए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।